वृश्चिक राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वृश्चिक राशि वालों बधाई हो, देवों के देव महादेव जी आपके घर आ रहे हैं, आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन वृश्चिक राशि वालों, स्वागत में कोई भी गलतियां मत करना और ना ही कोई कमी रहने देना। अगले 24 घंटे के अंदर देवों के देव महादेव जी आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, लेकिन शांत रहना और यह बात किसी को भी कानों कान खबर नहीं होने देना और ना ही किसी को भनक तक लगने देना, नहीं तो आप उम्र भर पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, देवों के देव भगवान महादेव जी की महिमा अपरंपार है। दोस्तों, देवों के देव भगवान महादेव जी आपके सभी दुश्मनों को अंत करने वाले हैं। जी हाँ, खासकर उन लोगों को जो लोग आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपके रास्ते में कांटे खड़े करते हैं और अड़ंगे डालने का प्रयास करते हैं, उन सभी को देवों के देव महादेव जी अब नाश करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है जो लोग अपने जीवन काल में परेशान हो चुके हैं, अपनी जिंदगी से थक चुके हैं, हार चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, पहले जैसी अब आपकी जिंदगी नहीं रहेगी, अब आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव हो चुका है। इसका एहसास अगले 24 घंटे के अंदर से ही आपको होने लगेगा कि कौन कौन से बड़े बदलाव आपके जीवन में हुआ है। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, जो चीज़ पाने की इच्छा आपके अंदर, जिन चीज़ों को पाने के लिए आप दिन रात मेहनत करते आ रहे थे, वो चीज़ अब आपके पास होगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको किसी के भी सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों, देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से, असीम कृपा से अब आपके पास सब कुछ होगा। क्योंकि आपका घर अब आपका भविष्य तय करता है कि आपको आने वाले भविष्य में क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। दोस्तों, याद रखना, किस्मत और भाग्य तभी साथ देता है जब आप अच्छे कर्म करते हैं, और जिसका कर्म अच्छा होता है उसका आने वाला भविष्य भी अच्छा होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं, सुख आए तो घमंड मत करना और दुख आए तो थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि ये वक्त बहुत ही जल्द गुजर जाएगा। बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह से देवों के देव भगवान महादेव जी आपके घर आने वाले हैं और वो कौन कौन से शुभ संकेत देने वाले हैं जिससे आपकी जिंदगी बदलेगी। वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर देवों के देव भगवान महादेव जी का निराला खेल शुरू होगा। जी हाँ, जिससे आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। देखिए दोस्तों, शंकर भगवान इतने भोले हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप उन्हें शुद्ध मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ एक लोटा जल ही चढ़ा दें, इससे भी भगवान शंकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। जी हाँ, और आप जो भी वरदान मांगना चाहते हैं, आप सच्चे दिल से मांग लें, आपकी मन की मुरादें भगवान शंकर जी ज़रूर पूरा करेंगे। जी हाँ, खासकर अगर आप जल्दी पाना चाहते हैं, अपनी मन की इच्छा को जल्दी पूरी करना चाहते हैं, तो आप सोमवार के दिन यह काम करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इससे भगवान शंकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, देवों के देव भगवान महादेव जी आपके घर आ रहे हैं। सबसे पहले इस राशि के जातकों को बेरोजगारी की समस्या दूर होगी,
जो लोग लंबे समय से बेरोजगार थे, उन्हें काम नहीं मिल पा रहा था या फिर छोटी मोटी जॉब मिलती थी लेकिन किसी कारणवश वह भी हाथ से निकल जाता था, किसी दूसरों की वजह से या फिर खुद की गलती की वजह से। तो इससे भी अब आपको छुटकारा मिलेगा। जिन लोगों के घर में रुपया पैसा नहीं टिकता था, एक तरफ से आता था तो दूसरी तरफ से निकल जाता था, जो लोग यह सोच सोच कर एनी टाइम डिप्रेशन में रहता था, एनी टाइम टेंशन में रहता था, आखिरकार इस तरह की समस्याओं से हमें सामना क्यों करना पड़ रहा है, तो उन सभी का समस्याओं का भी समाधान मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों देवों के देव महादेव जी बहुत ही भोले हैं। ये अपने भक्तों को कभी भी दुख तकलीफ में नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से देवों के देव भगवान महादेव जी से मांगोगे तो आपको जरूर मिलेगा। बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा और आज आपको कौन सी विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा, कौन सी गलती करने से बचना होगा। देखिए दोस्तों, यह समय आपको यह अनुभव करने की जरूरत है कि अतीत से चिपके रहने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। आपको अपने अतीत से सीखना जरूर है परंतु इसे पकड़े रहने से बात नहीं बनेगी। जी हाँ, अगर आप आज यह समझ पाने में कामयाब हो जाते हैं तो पिछले कुछ समय से आपके जीवन में चली आ रही बड़ी समस्याओं को सुलझाने की दिशा में यह बड़ा कदम होगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, सभी पक्षों को प्रतिबद्धताओं की वजह से आप एक बहुत व्यस्त जीवन जी रहे थे। जी हाँ, आज आप यह दबाव कुछ कम हो सकता है और इस अवसर को आराम करने या अपने साथी या परिवार के साथ खुशी से समय बिताएं, आपको परिचित चीज़ों से आनंद की अनुभूति होगी। जी हाँ दोस्तों, आप अपने साथी के साथ घर पर या एकांत शाम का आनंद उठाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए दोस्तों, लघु लेकिन बार बार आपके कामकाज के राहों में रोड़ा पैदा होगा और आप इस समय सीमा के भीतर अपनी परियोजनाओं को पूरा करने में समर्थ महसूस करेंगी। जी हाँ, ये बाधा व्यर्थ की होगी लेकिन इनसे पार पाना या इनकी गणना करना मुश्किल होगा। हालांकि क्रोध और चिड़चिड़े से समस्या का हल नहीं निकलेगा, इसके बजाय समय पर अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अपने सहयोगियों को मदद लेने के लिए पूछने की कोशिश करें और एक दूसरे से सहायता मांगे, एक दूसरे से सपोर्ट मांगेंगे आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए दोस्तों, विरोधाभासी ग्रहों की वजह से आज आप विपरीत दिशा में जा सकती हैं। जी हाँ, आप एक निर्णायक निर्णय लेना चाहती हैं लेकिन आप काफ़ी सतर्क हैं और किसी भी तरह का असंतुलन नहीं चाहती हैं। जी हाँ दोस्तों, इन विरोधाभासी आभासों के कारण आपका प्यार जीवन काफ़ी दिलचस्प हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इन सब से आपको अपने साथी या अपने रिश्तों पर एक सबक मिलेगा जो कि आपको भविष्य के लिए योजना बनाने में मदद साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगी, यह समय चीज़ें आपके अनुसार कार्य नहीं कर रही है। जी हाँ, जैसे कि आपने योजना बनाई थी लेकिन आपको इस कारण से आक्रामक नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे आपके सारे प्रयास बर्बाद हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कार्य में प्रगति के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता होगी लेकिन ये इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कोई भी चीज़ में अभी आपको जल्दबाजी नहीं करना है। देवों के देव भगवान महादेव जी के ऊपर आपको सब कुछ छोड़ देना है। इससे कम प्रतिभाशाली व्यक्ति आपके समक्ष आ सकता है जिसके पास काफ़ी ताकत होगी लेकिन समय की मांग है। जी हाँ, कि इस व्यक्ति के साथ विवाद में ना उलझें जो कि आपके स्वयं के
सर्वोत्तम हित में होगा। यह समय आपकी भीतरी शक्ति को आपको एक साथ कई स्तरों पर सोचने की क्षमता देगी। आप किसी भी मुद्दे की तरफ जा सकते हैं, अपने दोस्तों या फिर साथियों का भी सही मूल्यांकन कर पाओगी। जहां तर्क शक्ति से बात ना बने, अपने मन की आवाज़ सुने। जी हाँ, जो आपको अच्छा लगता है वही करें। दूसरों की बातों पर चलने की इस समय आप कोशिश ना करें, नहीं तो अभी आपको नुकसान हो सकता है। जी हाँ, आज आपकी कैरियर में काफ़ी सुधार होगा। फंसा हुआ धन मिल सकता है, रुका हुआ रुपया पैसा आज आपको वापस मिल सकता है। सितारे कहते हैं, आज का दिन आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं रहेंगी। आज अपने वर्तमान घर या नौकरी में बदलाव का फैसला ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कोई भी फैसला अगर आप लेना चाहते हैं तो बहुत सी सोच समझ कर लीजिएगा, नहीं तो आगे चलकर आपको पछताना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान आप ही को रखना पड़ेगा। इसके उपरांत कशमकश में ना रहें, बदलाव होना बहुत अच्छा रहेगा। जी हाँ, आपको किसी ऐसे आदमी से बात करके अप्रत्याशित सहायता मिल सकती है, जो चुपचाप आपकी भलाई चाहता रहा है। देखिए दोस्तों, आप अपने संबंध को लेकर जरूरत से ज़्यादा गंभीर रहे हैं और बहुत सोचते हैं। खुद को थोड़ा सा हल्का करें, अपने पार्टनर के साथ समय व्यतीत करें, अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करें। एक बार जब आप सब चीज़ों को और बातों को दोहरे अर्थ ढूंढने में खुद को रोकना सीख पाएंगे, तो आपको मालूम होगा कि आपका संबंध बहुत मजबूत है। देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं, आप में अद्भुत समर्पण की भावना आ गई है। आपको परिवार से जुड़ी कई जिम्मेदारियां निभानी है और आप ऐसा बहुत अच्छे से करेंगे। जी हाँ, जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए आप अपने कौशलों को निखारने और अपनी छुपी हुई प्रतिभा को बाहर लाने के प्रयासों में जुड़े हुए हैं। जी हाँ, आपका सफर मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप इसका हर एक पल का आनंद लेंगे और आपको मजा आएगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको डटकर प्रयासों में लगे रहना है, तब तक जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है। जी हाँ, लोग आपको गलत बात सुनाएंगे, गलत रास्ते दिखाएंगे। अगर आप अपने रास्तों से भटक गए तो फिर आप अपने मंजिल को कभी नहीं पा पाएंगे, जिसकी आप सपना देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो सपना अब आपका पूरा होने का वक्त आ चुका है, लेकिन आपको प्रयास निरंतर करते रहना है। जी हाँ, वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके प्रेम संबंध के लिए जो समय होंगे, अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो कोई तीसरा पक्ष आपकी लव लाइफ में काफ़ी हस्तक्षेप कर सकता है और जो है गंभीर गलतफहमियां पैदा कर सकता है। आपको अपने और अपने पार्टनर की भी भावनाओं का विश्वास करना सीखना होगा। जी हाँ, दूसरों की बातों पर अधिक ध्यान देने की बजाय अपनी भावनाओं पर अधिक ध्यान दें। जी हाँ, देखिए दोस्तों, आपको जो प्रोफेशनल मुद्दे परेशान करते हैं, उनके बारे में भी अपने पार्टनर से भी बात करना चाहिए, उनका समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। आज का दिन सट्टा उद्यमों के लिए सबसे उपयुक्त समय है। जी हाँ, आप एक लॉटरी टिकट या कंपनियों या शेयर निवेश करने से धन वृद्धि का एक उच्च मौका है। आपको किसी एक से अच्छा सुझाव मिल सकता है और अगर आप उसे समय पर पूरा करते हैं तो आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए शांतिपूर्ण रहेगा। जी हाँ, और आप हर एक पल का आनंद लेंगे और आप मज़े से आपका दिन व्यतीत होगा, क्योंकि ग्रह गोचर अभी बहुत ही अनुकूल है, आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन आज आप बोलने में सावधानी रखें, सोच समझकर ही बोलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि दोस्तों बात बात में आकर आप अपने दिल की बात बता देते हैं, जो कि आगे चलकर आप ही को परेशानी होती है। आप जिसे अपना करीबी समझते हैं वो आपकी गुप्त बातों को उजागर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिसे आप अपना समझते हैं वही आपको धीरे धीरे धोखा दे रही है, वही आपको बर्बाद कर रही है। इसलिए दोस्तों, बोलने से पहले दोबारा सोच लें, अपनी बात का विषय अपने और सामने वाले तक ही सीमित रखें। जी हाँ, किसी तीसरे के बारे में बात करने से आज आप बचें, नहीं तो दिक्कत होगा।
किसी दूसरे शहर की यात्रा और उनके दौरान किसी पुराने दोस्त से मुलाकात की संभावना, पुराने पलों को याद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आज आपके पूरा दिन खुशी और अच्छे स्वास्थ्य और सामान्य बिल्कुल अच्छे मूड में रहने की भावना भरा रहेगा। आज आपका दृष्टिकोण किसी महत्वपूर्ण चीज़ की ओर बिल्कुल सही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके फैसले का प्रभाव आपकी मानसिक शक्ति औरों के लिए ईर्ष्या का कारण बन सकती है। वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगी, आपके प्रेम संबंध के लिए जो समय होंगी, आज आप आपके साथी के बीच कुछ तथ्यों पर जो है असहमति हो सकती है। ये मुद्दे बहुत ही मामूली या महत्वपूर्ण हो सकती हैं, पर कुछ समय से ये आपके रिश्तों में आपको बहुत परेशान कर सकती है। ये आपके संचार और आपसी वार्तालाप की कमी के कारण हुआ है। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा जो है मात्रा धैर्य की आवश्यकता होगी। अगर आप इस रिश्तों को बचाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके करियर और धनराशि फल के लिए जो समय होंगे, आज का दिन अपने व्यावसायिक और वित्तीय गतिविधियों में बदलाव लाने का दिन है। इसलिए अगर आप कुछ इस तरह की काफ़ी योजना है तो अपने आप को तनाव मुक्त रखें। आप अपना दृष्टिकोण प्रभाव ढंग से सिर संबंधों तक समक्ष रखे पाने में समर्थ रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये अपने नियोक्ता से अपनी आय को बढ़ाने का उपयुक्त मौका है। इसलिए दोस्तों इस मौके का आनंद उठाएं और इसका लाभ उठाएं तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे में दुश्मन जल जल कर खाक हो जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों जिस कार्यों की उम्मीद आपने छोड़ चुकी थी, आपको ऐसा लग रहा था वो कार्य अब संपन्न नहीं होगा, आप अपनी तरफ से बिल्कुल हार मान चुके थे, तो आने वाले अगले 24 घंटे में आपका वह कार्य संपन्न होने वाला है। जी हाँ, और बिजनेस करने वाले जातकों को कई गुना ज्यादा उछाल देखने को मिलेंगे। दोस्तों आज आपकी किस्मत चमकेगी, भाग्य पलटेगा, क्योंकि दोस्तों आज आपको किस्मत और भाग्य दोनों का साथ मिलेगा। जी हाँ, आज आपके कैरियर में सुधार होगा और छोटी मोटी जो परेशानियां थी कैरियर में वह दूर होंगी। किसी कंपनी में आज आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी जॉब को लेकर, साथ ही साथ आज आपको नई जॉब लगने की संभावना बन रही है। और जो लोग पहले से कोई नौकरी में हैं, वो अगर अपनी नौकरी में कोई बदलाव करना चाहते हैं या स्थान परिवर्तन को लेकर कोई विचार आपके मन में बहुत दिनों से थी, तो आपका वह सपना पूरा हो सकता है। और जो लोग पहले से कोई नौकरी में हैं, वो अपने कामों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बॉस आज आपकी कामों पर बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि बॉस की नज़रें आपके काम पर ही है। इसलिए दोस्तों जितनी मेहनत से काम करेंगे, जितनी आप ईमानदारी से काम करेंगे, आपको उतनी प्रमोशन मिल सकती है। पहले से अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ था तो वह कार्य पूरा हो सकता है, फंसा हुआ धन आज आपको मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है, आप अपना कुछ नया शुरू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नए कामों की शुरुआत कर सकते हैं, काफ़ी समय से लेने वाला कोई अपना अधूरा काम पूरा कर सकते हैं, या कोई ऐसा काम जिसे आप लंबे समय से टालते आ रहे थे, उन कामों को आज आप शुरू कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। जी हाँ, अगर आप किसी स्वास्थ्य संबंधी परियोजना पर काम कर रहे हैं या किसी के बारे में कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आपको उम्मीद से कहीं ज़्यादा सफलता मिलने की संभावनाएँ बन रही है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अपनी प्रगति का रिकॉर्ड रखें और कुछ गलत होने पर सावधान तैयार रहें। आपको इन सभी प्रयासों के लिए भी प्रशंसा मिलेगी, लोग आपकी तारीफ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ चुनौतियां रहेंगी, आपको चुनौतियों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है, इतना जरूर ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपने हाल फिलहाल में धन खोया हुआ है, क्योंकि आपने विवेकपूर्ण तरीके से जल्दी पैसे देने वाली मार्ग तृष्णाओं वाली जो है परियोजनाओं में पैसे लगाया है,
जी हाँ दोस्तों, इस तरह की और परियोजनाएं आपके समक्ष आएंगी, लेकिन आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। जी हाँ दोस्तों, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल अगर आप नहीं करेंगे तो परेशानी बढ़ेगी, अन्यथा आप अपनी वित्तीय परेशानियों में फंस सकती हैं। आपको अपने निवेश के निर्णय शरण शब्द तरीके से लेने हैं और विशेषज्ञों की राय के अनुसार आगे बढ़ना है। आपकी आदत सिर्फ खाली प्रस्तुतिकरण एवं समकती हुई चीज़ों की तरफ भाग पड़ते हैं, जो कि आपको पकड़नी होगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब समय आ गया है कि अच्छे खान पान का महत्व समझें। आप कई बार छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं जिनका आपको भोजन से कोई संबंध नहीं लगता, लेकिन दोस्तों वास्तव में ये भोजन के गलत तरीकों से ही जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आज आपको यह समझने की ज़रूरत है, यह समझने की आवश्यकता है कि आपके लिए अपने समान स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एकमात्र रास्ता खान पान में सुधार ही है। जी हाँ दोस्तों, इससे आपके जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में सुधार आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जान है तो जहान है, इसलिए आपको अपने सेहत के प्रति किसी भी प्रकार की कंप्रोमाइज, किसी भी प्रकार की समझौता नहीं करना है। जी हाँ, आज आप खुद को ऐसी व्यक्ति से साथ पाएंगे जो आपके साथ बहुत दिनों से समय बिताना चाहता था और काफ़ी समय से आपको आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। यह संबंध काफ़ी गंभीर है और रोमांटिक साबित हो सकता है। वहीं दोस्तों, आपको यह भी चाहिए था कि आज का दिन खास रहेगा, इसका पूरा उपयोग करें और जैसे आप बिल्कुल वैसे ही रहें। आज आप उन परियोजनाओं पर अच्छी शुरुआत करें जिनको आपने लंबे समय से अपने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। जी हाँ दोस्तों, आप एक सफल भविष्य के लिए अच्छी नींव बिछाने में बस एक कदम दूर हैं। जी हाँ, चीज़ों को आज जो है आसान तरीके से लें और बिना सोचे समझे कुछ भी ना करें, क्योंकि आपकी एक आदत है बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं, आगे चलकर परेशानी हो सकती है। अपने कामों को करने के लिए दूसरों पर भरोसा ना करें, जो उचित है इन विचारों को रखने में आप जरा सी भी ना घबराएं। जी हाँ, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सही लगता है, उस कामों को आज आप ज़रूर करें, आपको ज़रूर लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन बातों को समझ पाए होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय ब्रह्मदेव जरूर लिखें। धन्यवाद। दिन आपका